नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनबात टाइम्स। आगरा के देवकी नंदन सोन को सू डिजाइनिंग ने पहुंचाया फिल्म इंडस्ट्रीज तक। विश्व कप विजेता क्रिकेटर कपिल देव की जीवनी पर बनी फिल्म 83 में दिखेगा आगरा के जूतों का जलवा। अक्टूबर 1972 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद देवकी नंदन सोन ने 10 वर्षों तक एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों में डिजाइनिंग कर नाम कमाया। 1983 में जूता निर्माण की अपनी कंपनी सुकॉन के नाम से प्रारंभ की। इस दौरान उनकी उस वक्त सू डिजाइनिंग तथा आरामदेह दस्तकारी के लिए दर्जनों बार सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं प्रताप सिंह आजाद के साथ अभय शर्मा की रिपोर्ट। तो हमारे जो जूता दस्तकारों की बस्तियां थी चक्की पाट काजी वाला, वो देखते थे कि उनके सैनिक आते हैं तो वो सूज को लेकर के वहां पर डिस्प्ले करके बैठ जाते थे। देवकी नंदन सोन सू डिजाइनर आज हमारे लिए आगरा के जूता दस्तकारों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि क्रिकेट सम्राट कपिल देव की लाइफ के ऊपर जो 83 फिल्म आ रही है उसमें, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो जोर पड़ता है वो सूज पे पड़ता है। उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने एडवाइजर बनाया, उन्होंने कपिल देव जी को, उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ स्टोरी भी अगर फिल्म बनाओगे तो मेरे हिसाब से ही बनेगी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो सूज तुमने कलेक्ट किए हैं ये सूज नहीं चलेगी, सूज वही चलेगा जो कि मैंने उस समय पहने थे। उसके लिए डायरेक्टर ने बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, दिल्ली और कानपुर, साथ ही आगरा, इन सब जगह की मार्केटों में खोजा, लेकिन अब जो सूज मिल रहे थे वो सभी प्यू सोल के मिल रहे थे, लेकिन कपिल देव जी को इसी तरह का सूज चाहिए था। तो इसके लिए जब कास्ट्यूम डायरेक्टर ने कहा कि सब सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, पर ये सूज ये मिला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूज तो डिटो वही चाहिए। तब उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझसे बोला, कपिल वो कबीर खान जी ने, के साथ आपने आगरा में देवकी नंदन सोन से संपर्क किया? उन्होंने कहा हम नहीं जानते उनको, कि वो सू डिजाइनर है वहां के, रखे आते हैं, आप उनसे मिलो और वो सूज को तैयार करेंगे और मेरी बात करा देना। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सोन साहब आपको ये सूज बनाना है, कैसे भी करो, क्योंकि ये सारा का सारा सूज हैंडमेड है। आजकल सारी की सारी सूज भी मैगनाइज यूनिट हो गई है और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के सूज नहीं बन पाते। तो ये सूज का हमने निर्माण किया, डिजाइनिंग मैंने की, साथ में ही मेरे पुत्र, वो भी सू डिजाइनर हैं, कबीर नंदन जी, उनके सुपरविजन में इसका निर्माण कार्य किया गया, जिसमें जयप्रकाश, लक्ष्मी नारायण, एजाज, पंचम, ऐसे तमाम कारीगर थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के जूता दस्तकारी का ये लोहा मनवा दिया हमारे कारीगरों ने कि हाँ साहब, सूज के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट हमारी तो उसके लिए हमें आगरा ही जाना पड़ेगा। और आगरा के मैं दस्तकारों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी ख्याति बनाई है और वो अपनी ख्याति को अपनी कला के बल पर अभी भी कायम रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी जूता ऐसा नहीं है जो आगरा में नहीं बन सके। यही कारण है कि देश विदेशों में भी जो निर्यात होता है वो आगरा के जूते सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जो मुझे एक सम्मान मिला है कि फिल्म में सारे सूज हमारे बनाए हुए पहने गए हैं, ये आगरा के दस्तकारों का ही सम्मान है। कि आगरा का सौभाग्य और ज्यादा सौभाग्य कि आपके माध्यम से ये देश विदेश तक इसकी खबर जाएगी। प्रख्यात डिजाइनर, शू डिजाइनर जिसे कहा जाता है, वो हमारे देवकी नंदन सोन ने जो एक जिस तरीके से आप अखबारों में, आप लोग मीडिया के जरिए देते हैं कि आगरा का ही 80% जूता जो देश विदेशों में जाता है और सरकार की नजर उस पर नजर नहीं है। तो मेरा तो आज जिस तरीके से अगर कपिल देव ने और कबीर जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि भाई हमें हैंडमेड जूता चाहिए और पूरा उन्होंने देश घूम रहा और कहीं भी
एक इंजेक्शन बॉन्ड मशीन वाले शूटे होते थे और आगरा के जो दस्तकार आगरा के हस्तकारी जिन्होंने ये दिखा दिया कि आज भी आगरा वही लोहा मनवा सकता है जिस तरीके से आगरा का जूता प्रसिद्ध देश विदेश तक जाता है। तो सरकारों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी 5% से 12% जीएसटी होने जा रही है यथायत, क्योंकि कारीगर का हाथ सदा रहेगा, कारीगर की देश विदेश में पहचान रहेगी, तो उसको 5 से जो 12 करने जा रहे हैं उसको यथायत 5 पे रहना चाहिए। और जो हाथ के कारीगर है, जो हाथ से चीजें बनती है, उन पे तो 0 टैक्स होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से ये आवाज जानी चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।